नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं टी विद तनेजा में उन दो खिलाड़ियों के बारे में प्रो कबड्डी ने जिनकी जिंदगी बदल दी। वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, सैकड़ों खिलाड़ी हैं जिनकी जिंदगी प्रो कबड्डी ने बदली है, पर ये दो खिलाड़ी खास हैं क्योंकि इन दोनों ने प्रो कबड्डी देखने के बाद पहली बार जीवन में कबड्डी खेली और उसके बाद ये प्रो कबड्डी में आए। सबसे पहला और बहुत बड़ा नाम सिद्धार्थ बाहुबली देसाई। बहुत ज्यादा ये कबड्डी नहीं खेलते थे, इनके बड़े भाई सूरज देसाई कबड्डी खेलते थे, आर्मी में वो हैं। लेकिन सिद्धार्थ देसाई ने जब टीवी पे वीवो प्रो कबड्डी देखी, उनके अंदर भी खेल को देख के प्यार महसूस हुआ और उन्हें लगा कि मुझे भी खेल खेलना है, मशहूर होना है, तब उन्होंने सीरियसली कबड्डी खेलना शुरू किया। वो पुणे आए और पुणे में इनफैक्ट जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था और आप मेरे दूसरे वीडियो में सुन सकते हैं, रात को सपने में उनके मोनू गोयत आए। सिद्धार्थ देसाई मोनू गोयत को अपना आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। मोनू गोयत ने रात को सपने में सिद्धार्थ देसाई को कबड्डी की स्किल सिखाए और उसके बाद आप किस्मत देखिए, सिद्धार्थ देसाई ना केवल प्रो कबड्डी में आए बल्कि अपने पहले ही सीजन में, जो कि सीजन 6 था, तहलका मचा दिया। यू मुंबा के साथ शुरुआत की थी और इतना अच्छा सीजन उनका रहा कि जब अगली बार की ऑक्शन शुरू हुई तो टाइटन्स के ओनर श्रीनिवास ने खड़े होकर कहा कि इनकी ऑक्शन शुरू ही 1 करोड़ से की जाए। तो सिद्धार्थ देसाई वो खिलाड़ी हैं जिसने वीवो प्रो कबड्डी को देखकर कबड्डी खेलना शुरू किया और इतने छोटे समय में ही वो प्रो कबड्डी में आ भी गए। दूसरे खिलाड़ी जो इस सीजन में गुजरात जायंट्स के स्टार हो रहे हैं, उनका नाम है प्रदीप कुमार। पूरा नाम प्रदीप कुमार यादव, याद है वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हमारे जिम मैन लगने वाले रेडर जो कि एक उपयोगी ऑलराउंडर भी है। प्रदीप कुमार हरियाणा के गुरुग्राम ओल्ड गुड़गांव के रहने वाले हैं। उनके दादाजी के भाई, यानी जो उनके दादा ही लगे, आईएएस ऑफिसर थे। ये भाई साहब गुरुग्राम के एक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। जी हां, प्रदीप कुमार इज एन इंजीनियर। वहां उन्होंने पहली बार टीवी पे कबड्डी देखी, प्रो कबड्डी 2014 और 15 में उन्होंने कबड्डी खेलनी शुरू की। ये सोचा कि अगर मैं अपने दादा की तरह आईएएस बन गया तो मुझे एक जिले के या एक स्टेट के लोग जानेंगे, मुझे पूरे भारत में पहचान बनानी है। वहां से प्रदीप कुमार ने कबड्डी खेलनी शुरू की 2015 में। 2017 में अपना पहला लोकल टूर्नामेंट खेला। 2021 के नेशनल जो कि अयोध्या में हुए थे, वहां वो राजस्थान की तरफ से खेले और दीपक हुडा की गैर हाजिरी में, क्योंकि दीपक लास्ट के 2 मैच नहीं खेले थे, टीम के मेन रेडर बने प्रदीप और राजस्थान को मिला ब्रॉन्ज मेडल। वहां से पड़ी नजर इनके ऊपर मनप्रीत सिंह की। सरप्राइजिंगली प्रदीप कुमार वीवो पीकेएल सीजन 8 की ऑक्शन में अनसोल्ड गए, पर बाद में फिर उन्हें गुजरात जायंट्स ने, मनप्रीत सिंह ने अपनी टीम का सदस्य बना लिया और उनकी कहानी भी आपके सामने है। पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने भी कमाल किया है। तो दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने वीवो पीकेएल देखकर कबड्डी खेलना शुरू किया, आज स्टार बन चुके हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्टार हमें देखने को मिलेंगे, ईश्वर करे, आने वाले सीजन में, आने वाले वीडियोज में, और ऐसी जानकारी आपके साथ में साझी करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।